लॉकडाउन के दौरान नाबालिग के साथ हुई ऐसी घटना जिसने इंसानियत को किया शर्मसार। जी हां, उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ऐसी घटना ही सामने आई है, जहां एक और कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश और प्रदेश में गरीबों एवं बच्चों की मदद के लिए हजारों हाथ उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कासगंज जनपद में नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। हम गेहूं खांद के आए घर पे, गेहूं खांद के आने के बाद हम रोटी में लग गए। बच्चे बोली माँ हम लैटरिन को जा रहे हैं। हम ठीक है। जब वो लैटरिन को गए तो वो अनिल देख रहे थे साथ, वो पीछे पीछे गए हुआ लड़की को पकड़े। लड़की ने साथ उसकी नौहरी पात करी, उसने तो नहीं छोड़ी। अनिल ने ले जाए के इसको गोदी उठाई, मुँह दाबी के और बस गाजा में जंगल में जा के उसकी बेइज्जती करी। हम आवाज़ मार रहे थे। आवाज़ मारने के बाद जब हमारी लड़की बोले जब माँ उस तुम आवाज़ मार रही थी, हम सुन रही थी पर उसने मेरे मुंह दाबी ली थी, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दे पाए। क्या बजे घटना है? 8:30 बजे की। लगला मनसा की एक महिला द्वारा आज सुबह थाना पटियाली पर आकर एक तहरीर दी कि कल सायकाल 8:30 बजे के करीब मेरी नाबालिग पुत्री सोच के लिए खेतों की तरफ गई थी। उसी समय गांव का ही अनिल उर्फ बाबू सनोप दिवारी लाल पीछे पीछे गया और उसका मुंह दबाकर खेतों में उठा ले गया तथा गलत काम किया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अनिल के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। गिरफ्तारी हेतु दो टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।